Hello guys, yo, most welcome on your special classes. आज हम आप लोगों को exercise 12.1 का बताने जा रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, इन सब के बारे में चर्चा किया गया है। देखिए, वृत्त की परिधि इसमें होती है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। पहला प्रश्न दिया हुआ है एक्सरसाइज 12.1 में, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो दो वृत्त की त्रिज्याओं को हमने मान लिया, रेडियस त्रिज्या को बोलते हैं। तो यहाँ R1 और R2 मान लिया गया 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, तो परिधि बराबर होता है 2πr। तो यहाँ पे दो परिधि निकाल लिया जाएगा क्योंकि दो त्रिज्या दिया गया 2πr1 2πr2। यहाँ से हमने 38π सेंटीमीटर और 18π सेंटीमीटर निकाला है। यहाँ पे पाई का मान रखने को दिया नहीं गया है, तो इसलिए हमने पाई का मान यहाँ रखा नहीं है। दोनों वृत्त के परिधि का जोड़ निकालेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि कारण दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर हो, तो दोनों वृत्त के परिधि 56π आ जाएगा। और इस तरह से परिधि बराबर 2πr होता है। 2πr यहाँ पे दिया हुआ है, परिधि बराबर 2πr, और इससे दोनों की तुलना करेंगे तो पाई बाई कैंसिल हो जाएगा, बराबर 56/2 यानी कि 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो क्षेत्रफल पहले यहाँ पे निकाल लेंगे, तो दो क्षेत्रफल दिया हुआ है, दो त्रिज्या दिया हुआ है, इससे दो हमारा क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। तो पाई R1 स्क्वायर यानी पाई 8 स्क्वायर करके 64π सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर आया है। दूसरा क्षेत्रफल हमारा पाई R2 स्क्वायर करके ये हमारा आ जाएगा, R2 होगा और पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा हमारा पाई 6 स्क्वायर यानी कि 36π वर्ग सेंटीमीटर। नए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 64π प्लस 36π करने पर यह हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है योग के बराबर है, तो योग फल हो जाएगा 64π प्लस 36π पाई आर स्क्वायर बराबर 100π। ये पाई है और पाई पाई कैंसिल होकर के आर स्क्वायर इक्वल टू 100 यानी कि आर इक्वल टू अंडर रूट 100 आएगा। तो सेंटीमीटर में प्लस माइनस 10 आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस ही काउंट किया जाएगा क्योंकि माप जो है माइनस सेंटीमीटर में होता नहीं है, इसलिए आर बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी। तीसरा कह रहा है, आकृति 12.3 में तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है, जिससे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। प्राप्त करने वाले पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोल्ड वाले वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या अगर हम निकालेंगे तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। और इस तरह से R2 हम निकालेंगे तो पहले का R1 और दूसरे ये जो निकला हुआ है इसका त्रिज्या, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। R3 में R2 प्लस R1 करेंगे तो इस तरह से 35 सेंटीमीटर R4 निकालेंगे तो R3 प्लस R2 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 42.0 सेंटीमीटर। R5 निकालेंगे तो R4 प्लस R3 करके यहाँ पे 52.5 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर करके निकालेंगे तो 110.25 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। रेड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 10 ये R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर दूसरे पहले वाले से घटा लेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी यानी 31+5 और ए माइनस बी का मतलब 10.5। इस तरह से आ जाएगा 330.75 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे ही ब्लू ब्लैक और व्हाइट का हम यहाँ पे निकाल लेंगे, R3 माइनस R2 स्क्वायर करके R4 माइनस R3 स्क्वायर और R5 माइनस R4 स्क्वायर करके यहाँ पे हम निकालेंगे। फिर चौथा दिया है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास
80 सेंटीमीटर यानी चार पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर यदि आकार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाता है। तो पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, पहिए की त्रिज्या हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, पहिए की परिधि 2 पाई आर यानी 2 पाई इंटू 40 80 पाई सेंटीमीटर, कार की चाल हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको हम बना लेंगे सेंटीमीटर प्रति मिनट में। तो 60 गुणे 1000 बटा 60 कर देंगे या 100 से गुणा कर देंगे, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और इस तरह से ये हमारा आ गया 1,00,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट। एक मिनट में कार लगाते हैं कि दूरी 1,00,000 सेंटीमीटर हो जाएगा और इस तरह से 10 मिनट में हो जाएगा 10,00,000 सेंटीमीटर। तो मान लेंगे कार के पहियों के चक्रों की संख्या यन है तो यन गुणे पहिए की परिधि बराबर 10 मिनट में तय दूरी और इस तरह से हम निकाल लेंगे यन गुणे पहिए की परिधि 80 पाई पे आया हुआ है बराबर 10,00,000 यहाँ बराबर हो जाएगा 10,00,000 बटा 8 गुणे पाई यानी कि 8 गुणे 22 बटा 7 इसको जो है ऊपर गुणा कर देंगे ये 22 बटा 7 जो है ऊपर चला जाएगा तो 12,500 गुणे 7 बटा 22 हो जाएगा 6,250 यानी कि 568.18 गुणे 7 बटा 11 और इस तरह से 568.18 गुणे 7 करने पर यह बराबर हो जाएगा 3,977.26 चक्कर। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तो आपने उत्तर का औचित्य दीजिए। पांचवा सवाल है यदि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसको कैलकुलेशन करके हम देखते हैं। तो दिया हुआ माना वृत्त की त्रिज्या आर मान लेंगे और वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का परिधि होता है तो परिमाप और परिधि दोनों एक बराबर होता है तो इसको हम 2 पाई आर होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों काम क्या करेंगे कह रहा है कि संख्यात्मक रूप से परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है तो दोनों को बराबर हमने सामने लिखेंगे तो प्रश्न हो जाएगा 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर पाई पाई कैंसिल होकर के यहाँ पे चाहे तो आप 2r इक्वल टू आर स्क्वायर करके r और r कैंसिल कर दें तो r इक्वल टू 2 यहाँ पे आ जाएगा लेकिन यहाँ पे इसको हमने प्रॉपर ढंग से इसको सिंप्लीफाई किया है तो 2r माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। r स्क्वायर माइनस 2r बराबर 0 हो जाएगा यानी कि r इंटू r माइनस 2 करने पर r बराबर 0 ये कैंसिल किया जाएगा क्योंकि इसको ग्राह्य नहीं लिया जाएगा त्रिज्या का मान शून्य नहीं होगा और दूसरा r माइनस 2 बराबर 0 है तो त्रिज्या का मान 2 ये मात्रक के रूप में हो जाएगा। ये मात्रक साथ दिया कोई सेंटीमीटर मीटर तो दिया नहीं है इसलिए मात्रक ये r बराबर 2 मात्रक हो जाएगा। इस तरह से इस एक्सरसाइज का पूरा 500 सवाल कंप्लीट हुआ। हम कल 12.2 एक्सरसाइज बताएंगे। थैंक यू गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।